नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दोस्तों आपका एक नई वीडियो में स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। तो अब आए हैं हम आपको एक एयर फोर्स म्यूजियम में लेके, जहां पुराने पुराने जहाज पड़े हैं, फास्ट जेट पड़े हैं, जो लड़ाकू विमान हैं हमारे यहाँ पे सारे रखे हुए हैं म्यूजियम में, अच्छी तरीके से सजा के रखे हुए हैं, जो हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं। जो साइड में भी आप देख रहे होंगे, इधर भी एक हेलीकॉप्टर खड़ा है इधर, और हमारे एक पीछे भी हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, जिसको हम कुछ इधर जो हमारे टॉप है, टैंक है, और एक पार्ट इसमें से कुछ ऐसा भी है जो पाकिस्तान से हमारे इंडियन आर्मी उठा के ले आई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और लेके चलेंगे। हम आपको एक एक चीज अच्छी तरीके से दिखाएंगे जो, और हमारे वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब चैनल कर लेना। और ये गाड़ी भी पाकिस्तानी है, देखो उसके नंबर प्लेट पे ना उर्दू में लिखा हुआ है। हाँ, ये देखो आपको दिख रहा होगा, जैसे कि अंदर हम नहीं जा सकते, अंदर परमिशन नहीं है, लेकिन आपको हम बाहर दिखा रहे हैं। एक से एक चीजें पड़ी हैं यहाँ पे, ये पहले जो युद्ध हुआ करते थे उसमें जो ये क्रैश हो जाते थे, जो ये अपने विमान, उनको यहाँ लाके सजाया गया है यहाँ पे। शॉट डाउन, जैसा कि आप हेलीकॉप्टर देख रहे होंगे, पास से देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा है। इसकी पंखुड़ियाँ कम से कम 15-15, 20-20 फुट की है, जो कि इतनी बड़ी पंखुड़ियाँ हैं, और हेलीकॉप्टर भी बहुत ही बड़ा दिख रहा है। रियल में तो देखते हैं तो ऐसा लगता है, हम उसमें देखते हैं टीवी वगैरह में वीडियो, छोटी मटेरियल से बनाया जाता है ताकि जिस वजह से इनका ज्यादा वेट भी ना हो और बिल्कुल उड़े भी। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है भाई, ये बिल्कुल हल्का है बिल्कुल दिखने में, क्योंकि ये इसमें वजनदार भारी चीज से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हल्के मटेरियल से बनाया, उड़ने में दिक्कत होती है। और ये भाई कोई जो जिस मेटल से बनाया जाता है वो पावरफुल मेटल रहता है भाई। जैसा कि दोस्तों आप दिख रहा होगा, हमारे भारत सरकार की मोहर भी लगी हुई है हेलीकॉप्टर पे। ये हेलीकॉप्टर उससे भी ज्यादा, उससे भी बहुत बड़ा है। जैसे कि दोस्तों इस हेलीकॉप्टर से फायर होने वाले गोले वो भी इसके पास ही रखे हुए, हम आपको दिखाते हैं। कुछ इधर रखे हुए हैं और ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा भी एक 270 किलो का है एक। हाँ, ये 250 से ज्यादा वजन का है, एक से एक। और भाई ये गोले ऐसे नहीं चला जाते, हर एक नहीं चला सकता इनको। जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा, अभी आ गया एक हवाई जहाज, बिल्कुल इतना बड़ा है यार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक कमरा बना पड़ा हो, जैसे कोई, जैसे कितना बड़ा है वैसे दिखने में यार, वैसे छोटा दिखता है लेकिन बहुत ही बड़ा है ये, बहुत बड़ा, यानी कि रियल में तो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब क्या बताऊं मैं आपको, जिसका नाम कैनबेरा है, इस जहाज का नाम कैनबेरा है। हाँ, इस जहाज का नाम कैनबेरा है, इस जहाज को कैनबेरा का नाम दिया गया था। 1957 से 2007 में इसको यहाँ लाया गया है, 1957 में ये तैयार किया गया था ये। और भाई ये जहाज तो उससे भी ज्यादा बड़ी है, ये उससे बड़ा जहाज है, लिबरेटर B-24 के बगल में है जो, इसका नाम है, इस जहाज का नाम लिबरेटर B-24 है, जिसके चार चार एग्जॉस्ट हैं, बहुत बड़ा जहाज है। हाँ, ये बड़ा यार, ये आप एक जैसे एयर जेट दिख रहे हैं आपको, आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी जेट है। इसका नाम है मारुति, जिसका नाम मारुति HF-24 है, बताइए, जो कि देखने में भी कितनी डरावनी लग रही है, और कितनी लंबी है, लिख रहा है मछली जैसे होती थी ना, और कितनी चमक रही है, लंबे सूंड वाली। और भाई ये इसके बगल में ये जो पड़ा है ना, ये मिसाइल है, मिसाइल है जो इसके अंदर लगती है। हाँ, और फायर होती है, नीचे लगती है ना, नीचे वो जगह है ना जो इंसर्ट है उसमें। हाँ, लगती है इसमें, नीचे से लगती है इसमें, एक एक बंदा बैठ सकता है इसमें। हाँ, एक ही बंदा बैठ सकता है, जो आदमी बैठता है इसके अंदर। हाँ, युद्ध में जो काम आते हैं ये, देखिए एक से एक, या ये जो जहाज है इसका नाम है, बिल्कुल दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल अभी नया चलने के लिए तैयार है, उड़ने के लिए तैयार है, ऐसा लग रहा है। और बिल्कुल भाई गन फायर करने के लिए ना, शूट करने के लिए। हाँ, इसके अंदर गोलियां भरी जाती होंगी, इसमें गोलियां भरी जाती होंगी, और ये शूट करने के लिए बताओ कितने एक सेकंड में कितनी गोली निकलती होंगी, बताओ। ये बहुत ज्यादा वो दिखता है, ये इनके नीचे लगती है। हाँ, इनमें इंसर्ट करी जाती है इनको, जिसमें कभी भी फायर कर, कहीं भी फायर कर सकते हैं इसमें। इसको क्या नाम देगा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, फोर्ड सोलन कार, जो कि बहुत ही पुरानी कार है, 1967 मॉडल है, ये आर्मी में यूज किया होगा, जिसको अब लाके यहाँ खड़ा कर दिया है। हाँ, कि आने वाले आदमी देखें और इसके बारे में भी जाने कि ऐसी भी कारें होती थी। ये पाकिस्तानी साइबर जेट है, जिसे पाकिस्तान से लेके आया गया है, लड़ाई के समय ना ये वो हार गए होंगे, भाग गए होंगे अपनी जान बचा के, तो ये इंडियन आर्मी इसको इधर भी है लेके आ गई है। और ये हमारे आर्मी के निर्मलजीत सिंह सिखों के PVC, जो कि हमारे जिसने हमको जीत दिलाई थी और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये 14 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 6 सेपरेट वायुयानों ने श्रीनगर पर आक्रमण कर श्रीनगर हवाई पट्टी पर
बरम बरसा गोलाबारी करनी शुरू कर दी थी। तो इसको भाई दिल से सैल्यूट है। ये देखो ये वाली कितनी बड़ी है, इसकी पंखड़ी भी कितनी बड़ी है ना। हॉन्कर हरिकेन नाम है इसका, जो कि 1942 में बनाई गई थी। ये इसमें और दो ही टायर हैं इसमें, टायर दो ही है इसके अंदर। हाँ, एक पीछे भी होगा, पीछे भी है ना। हाँ बताओ, ये बड़ी किसी टाइम हमारे देश में इनकी भी वो रही होगी। सारे फाइटर जेट है, इनसे लड़ाइयां की जाती थी बस। हाँ, लड़ाइयों में ही, युद्ध में ही काम आती थी ये सारी जितनी भी जेट है इसके अंदर। बिल्कुल भाइयों, मैंने बहुत पहले उड़ते हुए जहाज देखे थे, आज मैं रियल में देख रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। जो अपने यहाँ इंडियन भी हैं और पाकिस्तान में जो काफ़ी जो क्रैश हो गए थे उनको अपने एक्टिव कर रखा अपने इंडिया में, उधर पाकिस्तानी है। कुल 30 रुपए की एक टिकट मिलती है और आपको पार्किंग बाहर ही है, पार्किंग में कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो भाई यहाँ आप बिल्कुल कैमरा लाओ, कुछ भी लाओ, किसी तरीके से वीडियो बनाओ, कुछ यहाँ मना नहीं है, कोई भी बना सकता है वीडियो, किसी कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ भी हो। बस सिर्फ 30 रुपए की टिकट लगती है आपकी जो बाहर एंट्री पे गेट पर कटी जाती है। तो आप देख रहे हैं अपोलो का मून लैंडर जो कि चंद्रमा को उतारा गया जो आज और मेल को ही यहाँ और रखा गया है ताकि म्यूजियम में सब देखें। ये वो सारे डॉक्यूमेंट है जो उस टाइम पे रिकवरी किए गए थे जो प्रिजनर से और वॉर के टाइम पे, जैसे कि ये सोल्जर पे बुक है, ये 5 रुपए की पुरानी करेंसी है, ये किसी तरह का कोई लेटर बुक है, ये आर्मी टिकट है, ये टिकट है, लॉग रिकॉर्ड है, ये हवाई जहाज का किसी चीज का टिकट हुआ करता था, टिकट है पुराना वाला। ये आइटम वो है जो रिकवरी किए गए थे पाकिस्तान, ये बहुत ही मुश्किल है, ये नहीं दिखेंगे आप। जो बैज थे जैसे ऑफिसर साइड कैप बैज, ये पायलट विंग बैज, ये बटन, ये आर्मी कैप बैज, ये ऑफिसर पिक कैप बैज, ये हर एक जो पोजीशन होती थी उसके हिसाब से बैज दिया जाता था, ये पद उस तरीके से दिया जाता होगा। आप लोग देख लेंगे वहाँ पे, आप शॉपिंग भी देख सकते हैं, ये सब जिनको बैग लगा हुआ है हर एक चीज़ें, जैसे टी के लिए जो छले हैं और जो शॉपिंग से हैं के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों हम आ गए हैं बाहर निकल के क्योंकि अंदर से, और हम आपको दिखाते हैं एक से एक बड़े एयरप्लेन।
लड़ाकू जहाज। हाँ ये यार एक से एक बड़े जहाज बने, बताओ। इसमें तो एक साथ में बहुत सारे आदमी बैठ सकते हैं। इधर लेके चलते हैं, पहले हम आपको इधर दिखाते हैं एक बार। आइए, ये वायुसेना IJ-302। इसका IJ-302 के नाम से वो तो सीरियल नंबर है इसका, डकोटा DC-3 इसका नाम है, डकोटा DC-3। जो कितना बड़ा जहाज है भाई, आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा है यार, कितना बड़ा वो है। अरे एक से एक बड़े पड़े हैं यार, कितने यार। अंदर जाके देख इस, ये देखो आप, अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसा लग रहा तीन जहाज एक साथ जुड़ के बना पड़ा हो, इतना बड़ा यार ये देखिए इसको आप। और इसमें जिसका नाम टुपुलेव है, टुपुलेव TU-124 124 टुपुलेव, फ्यूल रहता है इसके अंदर, इसको फ्यूल के लिए यूज किया जाता है और दोनों साइड फ्यूल रहता है ताकि बैलेंस है ना। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये एल्युमिनियम का बना है सारा, क्योंकि एल्युमिनियम में वजन नहीं होता और वजन होने के कारण ना मजबूत भी होता है, इसलिए ये हाई क्वालिटी का एल्युमिनियम है। सफाई हो रही है इसमें, पेंट हो रहा है, सफाई कर रहे हैं। हाँ जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा हमारे कुछ यहाँ कर्मचारी अपने इस एरोप्लेन की सफाई कर रहे हैं, पेपर रखे हैं। इसके अंदर नहीं जा सकते, चलेंगे बार अंदर देख के, अंदर थोड़ी जाने देंगे, जाने देंगे ना, ना ना पूछो पंगड़ी है, एक एक लटक जाओ, एक एक लटक के देख लेंगे, ये तो बाहर है यहाँ तो लटक देखते, लटक के देखते भाई चलती है कि नहीं चलती है। जाओ मैं बिल्कुल भाई पंखड़ी है भाई, हमसे हमारे तो लटकने से नहीं चलने वाली है। तो कैसे दोस्तों आपको वीडियो में मजा आया कि या नहीं आया तो बताना भाई कमेंट करके, क्योंकि हम अब आगे भी आपको दिखाते हैं क्या है आगे क्या नहीं है। यहाँ तक तो आपको हमने बहुत सारे जहाज दिखाए हैं, लड़ाकू विमान दिखाए हैं, बहुत सी चीजें दिखाई हैं। और भाई इस वीडियो में बने रहना एंड तक, और वीडियो में अपना प्यार दिखाएं भाई, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और शेयर करें भाई। तो दोस्तों जैसा कि हमने आप लोगों को जितना कवर हो सका आप लोगों को दिखाया, जो चीज़ें एक से एक लड़ाकू विमान और मिसाइलें सब चीज़ें आपको दिखाई, तो भाइयों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। भाई वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम कमेंट में बताओ भाई कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो भाई कमेंट में हम राय दिया करो, अगला प्लान वहाँ का रखेंगे। हाँ तो भाइयों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तो बने रहना इस वीडियो में, तो भाई चलते हैं, तो मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो भाइयों उस तब तक के लिए फिर बाय बाय।